गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं टैगल सी, जो इधर पास में एक क्या कहते हैं जगह है, लेक है, तो उधर हम लोग आज जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। सो गाइस आई एम रेडी। तो मैं पहनने जा रहा हूँ अपना मास्क। बटर ले लिया, अब हम लोग घर जा रहे हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम टू डे टू। सो सॉरी गाइस, कल हम लोग टैगल सी नहीं जा पाए क्योंकि हमारी जो है हम सबकी थोड़ी बहुत तबीयत भी नहीं ठीक थी और भी कुछ मसले थे, तो उस वजह से हम कल टैगल सी नहीं जा पाए। लेकिन प्लान था हमारा, लेकिन फिक्र ना करें, अब मैं दो आज की भी व्लॉग बनाऊंगा। आज कोई कुछ खास तो नहीं है, लेकिन चले वैसे व्लॉग बना लेता हूँ आज। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हमारी असल में ऑनलाइन क्लास है घर में, और हम दोनों अकेले घर में हैं। और आज हमारा ना ऑनलाइन एक प्रोग्राम है, क्लास नहीं, एक प्रोग्राम है हमारा मस्जिद की तरफ से। तो या सो बाय द वे, दिस इज़ अहमद। हेलो। तो भाई आप क्या कर रहे हो? मैं वैसे लैपटॉप पे देख रहा हूँ, जो फाइल्स है उन्हें डिलीट कर रहा हूँ, जो इस वजह से हमारा लैपटॉप स्लो चलता है। सो गाइस, आप लोग गेस करें मैं क्या लिख रहा हूँ। इसका आंसर वीडियो के एंड पे होगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मेरे कमेंट्स आई डोंट नो व्हाई ऑफ हो चुके हैं। किसी भी वीडियो पे मैं अलाउ कमेंट्स करता हूँ, वो अलाउ नहीं होते हैं, वो एंड हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मेरी असल में इसकी कोई गलती, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है आई थिंक, क्योंकि एक बच्चे का यूट्यूब चैनल है। मैं 12 इयर्स का हूँ, फिर भी बच्चे का यूट्यूब चैनल था, तो इस वजह से यूट्यूब की पॉलिसी और उसके हिसाब से शायद चैनल के कमेंट्स ब्लॉक कर दिए हुए। तो उसकी फिक्र ना करें, इसका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा। फ़िलहाल बाहर मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत रेनी है लेकिन सही है आज का मौसम, वरना तो जर्मनी में जनवरी फरवरी में स्नो पड़ती है, इस बार कम ही स्नो हुई थी। ये मैंने अपने फादर की पिक्चर बनाई थी, ये थोड़ा बहुत ब्लैक आ गया है, लेकिन इसे इग्नोर करें। कमेंट बिलो अगर आप लोगों को पसंद आती है। गाइस, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी कि मेरा जो गेमिंग चैनल है उस पर थोड़े बहुत मसले हैं, तो मैं इसी चैनल पर थोड़ी बहुत गेमिंग की भी वीडियोज़ डाला करूँगा। तो फिलहाल तो मैं कोशिश करूँगा इस पर ज़्यादातर व्लॉग्स बनाने की, और गेमिंग की भी थोड़ी बहुत वीडियोस आएंगी, और भी बहुत मज़े की वीडियोस आएंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा चैनल, तो इस पर वो भी वीडियोस आएंगी, फाइंड द इमोजी और बहुत कुछ। आई होप आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा होगा, और हमारा चैनल इस तरह ही इंशाल्लाह से ग्रो करेगा। अभी तो हमारे हैं 77 सब्सक्राइबर्स, आई होप फ्यूचर में थोड़े बढ़ेंगे। तो या बात मुझे इसी वक्त पता चली है, यूट्यूब पे कमेंट्स तो मुझे आ रहे हैं, लोगों को लगता है मुझे मिल रहे हैं, मैं हार नहीं दे रहा, लेकिन कमेंट्स मुझे जैसे अभी दिखा एक, लेकिन मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कहते हैं दिस वीडियो कमेंट्स आर नॉट अलाउड। क्या पता मेरी मैं खुद नहीं कमेंट्स देख पाता या फिर कुछ ऐसा मसला, लेकिन आप लोग अगर कमेंट्स करते हैं तो उसका बुरा ना माने, मैं हार दूंगा या नहीं। आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम देते हैं उसके लिए, लेकिन आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों के यूट्यूब के कमेंट्स को हार्ड नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं दे सकता तो मैं देता। जैसे कि अभी आमिर अल जसारी का कमेंट आया 5th रो मेरी उस वीडियो में, तो या बहुत अच्छा गेस किया, सही गेस किया तो या तो सॉरी, उस वो मैं कमेंट्स पे हार्ड या कुछ दे नहीं सकता, ओनली वो जब नोटिफिकेशन में ऊपर से आता है तो फिर मैं वो रीड कर सकता हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो अभी मैं और अहमद खेलने जा रहे हैं ये बिंगो वाली गेम, ये अहमद को लास्ट नाइट गिफ्ट मिली थी। या मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसका नाम है बिंगो लोटो, तो ये फन गेम है, आप लोग भी खेल सकते हो।
जर्मनी में मिलती है। प्ले विद मी इसका वो है ब्रांड जो ये गेम्स बनाती है। प्ले विद मी के हमारे पास और भी गेम्स है जैसे कि एयर हॉकी और फ्लिपर है, ये भी प्ले विद मी का है। और ये मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है क्योंकि इधर हैंडल होता है जिससे हम ऐसे पकड़ के लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पर अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं बिंगो। लोगों ने खोल लिया है तो सबसे पहले ये निकला है, ये जैसे कि एक सेकंड, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये, और ये मोतियाँ निकली हैं, आई मीन मोतियाँ ही कहते हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है नंबर। अब हम आप लोगों को ये जोड़ के दिखाते हैं। सबसे पहले बल्कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ तो टिकट्स हैं बिंगो वाली। सो या अब हम लोग इसे जोड़ के आप लोगों को अब मैं आप लोगों को ये अनबॉक्स हो चुकी है, मैं आप लोगों को इसका फंक्शन बताता हूँ। तो इसको घुमाना पड़ता है और इसके ऊपर जब बॉल आ जाती है जैसे कि अभी बॉल आ गई है तो इसको घुमाना होता है और ये पीछे से निकल आती है बॉल। बॉल पे देखना होता है कौन सा नंबर होता है, जौन सा नंबर होता है उसको ये जो नीचे पैड है उसके ऊपर उसी नंबर पर रख देना होता है। फिर देखना होता है कि हमारे टिकट पे वो नंबर तो नहीं है, अगर है तो उसको ऊपर कर देना है। और हमने क्वेश्चन करनी है 5 in a row नंबर लेने की, जैसे कि मेरा कह लें 32, 46, 53, 68 और 75 आया तो मैं जीत गया, मतलब 5 in a row। पहले सो गाइस अहमद बहुत लकी है, इसके पास जो शुरू वाला नंबर 1 और आखिरी नंबर 90 है, जैसे कि आप लोग इस पर देख सकते हैं सबसे पहला नंबर 1 है, सबसे आखिरी नंबर 90 है। आई गेस आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन आखिरी 90 है। सो या अहमद की रेयर है, पर आप लोगों का अभी का स्टेटस बता देते हैं। मेरे पास 2 बिंगोज हो चुकी हैं, अहमद के पास 1 बिंगो हो चुका है। या और तो देखते हैं, और अभी का नंबर 50 था, हाँ तो देखते हैं कौन जीतता है। सो गाइज मैं आप लोगों को अभी का स्टेटस बता देता हूँ, मेरे पास 225, 57 और 81 हो गए, मुझे चाहिए 36 जीतने के लिए। ऊपर मुझे 1 चाहिए, नीचे मुझे 2 चाहिए, इधर भी मुझे 2 चाहिए, मिडल में भी 2 चाहिए, आई मीन मिडल में 2 चाहिए और ऊपर 1 चाहिए। अहमद बार बार कह रहा था यार प्लीज 65 क्या था 65 आ जाए, और जैसे मैंने किया मैंने कहा नहीं 65 नहीं आएगा 36 आएगा क्योंकि मैं जीतने वाला था, क्योंकि मुझे 6 दिख गया था लेकिन 3 नहीं दिखा था, आई मीन 5 नहीं दिखा था लेकिन 65 था। सो कंग्रेचुलेशन अहमद। यस, और नंबर 1 भी आया और नंबर 90 भी आया, ये देखो नंबर 1 और नंबर 90 सबसे आखिरी और सबसे पहला नंबर भी आया। सो अहमद जीत गया ये। यस सो गाइज आई होप हम लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो बाय बाय। तो गाइस जो मैंने कीबोर्ड पे लिखा था उसका आंसर था प्लीज़ सब्सक्राइब, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।